नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करते हैं। आज दर्शन शास्त्र के जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है माइंड बॉडी रिलेशन या मन शरीर संबंध की समस्या। मन शरीर संबंध, जैसा कि हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों में पाते हैं कि हमारे मन और शरीर के बीच गहन संबंध होता है। हमारा मन हमारे शरीर को अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। हमारी मानसिक क्रियाएं, हमारी इच्छाएं, संकल्प, भावनाएं, हमारे शारीरिक क्रियाओं के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर हम मानसिक या भावनात्मक हमारे कोई आघात हैं या हम अवसाद या निराशा से ग्रस्त हैं तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे शारीरिक क्षमताओं पर पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर ये मानसिक या भावनात्मक आघात हमारे मस्तिष्क की जो हमारे भावनात्मक आघात हैं या अवसाद है, निराशा है, कुंठा है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारी शारीरिक दक्षता कम हो जाती है, हमारे शरीर में ये समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं और हमें शारीरिक रूप से हमारे व्यक्तित्व को ये जर्जर बना देते हैं और हमें शारीरिक रूप से अक्षम कर देने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा जो शरीर है वो हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालता है। हमारी शारीरिक क्रियाओं का हमारे मन पर, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा शरीर थका हुआ है, बीमार है, तो हमारे मस्तिष्क की दक्षता को प्रभावित होती है। वहीं अगर हमारा शरीर निरोग है, स्वस्थ है, तो शरीर हमारा दक्षता के साथ और कुशलता के साथ अपनी प्रक्रियाओं को संपन्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा मन और शरीर परस्पर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता रहता है, एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया हमें व्यक्तिगत हमारे जो अनुभवों में वो दिखती है। अभी हम अगर शारीरिक रूप से कोई व्यायाम करें तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर ऐसे हारमोन्स रिलीज होते हैं जिनसे हम खुशी महसूस करते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है। तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन यही बात दार्शनिकों के लिए समस्या उत्पन्न करती है। कैसे, इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हमारा माइंड होता है, हमारा बॉडी है और हमारा माइंड इंटरेक्ट करता है हमारी बॉडी से। हमारा माइंड क्या है? हमारा माइंड है एक नॉन फिजिकल थिंग है, ठीक है। और हमारी बॉडी क्या है? ये एक फिजिकल थिंग, हमारी बॉडी एक फिजिकल थिंग है, हमारा माइंड क्या है? एक नॉन फिजिकल थिंग है। समस्या यहाँ पर नहीं है कि माइंड इंटरेक्ट करता है बॉडी के साथ, समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है कि एक नॉन फिजिकल थिंग एक फिजिकल थिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, यही हमारे दर्शन में हमारे लिए एक समस्या, चुनौती हो जाती है कि इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। इस संबंध में जो सबसे पहला सिद्धांत हमें मिलता है वो फ्रांसीसी दार्शनिक डेकार्त का है, जिसे अंतरक्रियावाद इंटरैक्शनिज्म कहते हैं। डेकार्त द्वैतवादी फिलोसोफर थे। द्वैतवादी क्यों हैं? क्योंकि ये चित्त और अचित्त की स्वतंत्र सत्ता को मानते हैं। वैसे तो ये तीन द्रव्यों को मानते हैं और तीसरा द्रव्य ये ईश्वर है, लेकिन यहाँ पर हमारे मन और शरीर के संबंध की, अंतर संबंध की व्याख्या करने के लिए ये क्रिया प्रतिक्रियावाद या अंतरक्रियावाद को मानते हैं, जहाँ पर ये मानते हैं कि अचित्त एवं चित्त दो विपरीत धर्मों वाले मूल तत्व हैं। अचित्त विस्तारवान होता है, अचेतन तत्व है, जबकि मन या चित्त अविस्तृत एवं चेतन तत्व होता है। चित्त या मन सोद्देश्य कार्य करता है, जबकि अचित्त यंत्रवत कार्य करता है। इस प्रकार दोनों भिन्न प्रकृति के, अब भिन्न प्रकृति के होते हैं, अब इन दोनों में भिन्न प्रकार के तत्वों के संबंध को कैसे समझा जाए, डेकार्त के लिए यही चुनौती है, क्योंकि एक अचित्त है और एक चित्त है, इनमें कैसे अंतर संबंध हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक विस्तारवान होता है, अचित्त विस्तारवान है, और चित्त विस्तारवान न होकर के चैतन्य होता है, इसमें विस्तार नहीं होता है। तो जो जिसका कोई विस्तार नहीं है उसका विस्तार के साथ कैसे संबंध स्थापित हो सकता है, ये इनके लिए चुनौती थी। इसका समाधान ये देते हैं कि चित्त एवं शरीर या चित्त एवं अचित्त में संबंध मस्तिष्क के बीच एक पीनियल ग्लैंड के माध्यम से स्थापित ये करने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क के बीच में एक पीनियल ग्लैंड होती है जिसको ये मानते हैं कि ये हमारे मनस या चित्त का आधार है, जिसके द्वारा चित्त एवं शरीर एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, और यही इनके लिए समस्या भी बनती है। डेकार्त के अनुसार, अभी हम आगे देखते हैं, डेकार्त के अनुसार शरीर मन एवं मन पर संवेदनाओं या सेंसेशन के रूप में कार्य करता है, जबकि मन शरीर पर संकल्पों के रूप में कार्य करता है।
शरीर हमारे मन पर कैसे प्रभाव डालता है? संवेदनाओं के माध्यम से। और हमारा मन शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है? संकल्पों के माध्यम से। ठीक है, शरीर और मन की इस अंतरक्रिया इंटरेक्शन को अंतरक्रियावाद कहा जाता है। अब इस सिद्धांत को हम संक्षेप में समीक्षा करते हैं कि सबसे प्रमुख जो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है कि अचित्त और मनस विरुद्ध धर्मी द्रव्य हैं, तो इनमें परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया कैसे संभव है? क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया के लिए गुणात्मक सादृश्य का होना आवश्यक होता है। दो चीज़ों में जब भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो नितांत दोनों भिन्न हों तब हम उसमें अंतर संबंध नहीं स्थापित कर सकते, अगर उनमें कोई ना कोई गुणात्मक सादृश्य होना चाहिए। और चित्त हम देखते हैं, चित्त और अचित्त दोनों ही एकदम भिन्न प्रकृति के द्रव्य हैं। ठीक है, अब चित्त एक अविस्तृत एवं निराकार तत्व है। वह शरीर जो कि भौतिक तत्व है कि किसी विशेष बिंदु पर कैसे स्थित हो सकता है? अगर हम पीनियल ग्लैंड की बात करें तो वह शारीरिक है, वह अचित्त है। उस अचित्त पर कैसे हमारा चित्त, हमारा पीनियल ग्लैंड जो कि अचित्त है, उस पर हमारा कैसे चित्त स्थिर हो सकता है? क्योंकि उसमें चित्त में तो विस्तार ही नहीं है। यही इनकी आगे समस्या उत्पन्न होती है। डेकार्ट के उपरोक्त तर्क पर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि यदि आत्मा और शरीर की मिलन से या पीनियल ग्लैंड शारीरिक है तो इसे विस्तार युक्त मानना पड़ेगा, ऐसे में वह विस्तार रहित आत्मा का मिलन केंद्र कैसे हो सकता है, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। गिलबर्ट राइल, डेकार्ट का यह माइंड बॉडी का जो सिद्धांत है इसे ऑफिशियल डॉक्ट्रिन कहते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। व्यंगात्मक शैली में इसे मशीन में प्रेत सिद्धांत घोषित करते हैं। गिलबर्ट राइल ने कहा है कि द्वैतवाद में ये समस्या आती है कि यहाँ पर कोटि दोष से ग्रस्त हो जाता है डेकार्ट का यह तर्क। कैसे कोटि दोष को हम समझ लेते हैं? कोटि दोष वह है जब कोई वस्तु जिस कैटेगरी की जिस श्रेणी की है ही नहीं उसे उस कैटेगरी में रखना कोटि दोष कहलाता है। जैसे कि हम कहें कि ईश्वर मेल है या फीमेल, तो इस समस्या का समाधान हमें नहीं मिल सकता क्योंकि कहा जाता है कि ईश्वर सभी कोटियों से परे है। तो अगर हम उसको ये कहें कि वो मेल है या वो फीमेल है, जो परम द्रव्य की बात हो रही है, परम ईश्वर की जो बात हो रही है, तो वो उसको अगर हम कैटेगराइज करें कि वो मेल है या फीमेल, तो हम कोटि दोष से ग्रस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर चित्त और अचित्त के समस्या जो हम व्याख्या करते हैं तो डेकार्ट के दर्शन में हम पाते हैं कि वो कहीं ना कहीं कोटि दोष से ग्रसित हो जाती है, क्योंकि भौतिक घटनाएं यांत्रिक कारणों द्वारा संचालित होती हैं। हमारे जगत में जो भौतिक घटनाएं वो यांत्रिक कारणों द्वारा संचालित होती हैं। भौतिक एवं मानसिक घटनाओं की व्याख्या के लिए एक ही प्रकार की कारणता का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मानसिक घटनाओं का कारण से नहीं अपितु प्रयोजन से संचालित होती हैं। मानसिक घटनाएं यांत्रिक नहीं होती, ये प्रयोजन द्वारा संचालित होती हैं, और भौतिक घटनाएं यांत्रिक कारणों द्वारा संचालित होती हैं। इस प्रकार दोनों की कारणता अलग है, दोनों की कैटेगरीज अलग हैं। ठीक है, अगर उनको उनके लिए हम एक ही कारणता का प्रयोग करते हैं, उन्हें एक ही कैटेगरी में रखने का प्रयास करते हैं, तो हम कोटि दोष से ग्रसित हो जाते हैं। और इसी को ये मशीन में प्रेत व्यंगात्मक रूप से कहते हैं। कैसे? शरीर जो कि भौतिक तत्व है में अभौतिक तत्व आत्मा को मानना कोटि दोष है। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे कि कोई रोबोट हो और उसमें हम कहें कि ये आत्मा है, तो वो मशीन में प्रेत का सिद्धांत इस तरह से कहते हैं। क्योंकि दोनों नितांत अलग प्रकृति के द्रव्य होते हैं, चित्त और अचित्त दोनों अलग हैं। मशीन के अंदर प्रेत मशीन के बाहर की दुनिया को कैसे जान पाता है? मशीन में अगर हमने कोई प्रेत डाला तो वो बाहर की दुनिया को कैसे जानेगा? तो उसकी प्रकृति ही अलग है, वो संकल्पों के माध्यम से कार्य करता है और शरीर यांत्रिक रूप से कार्य करता है। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर डेकार्ट अपने सिद्धांत के माध्यम से नहीं दे पाते। इसके बाद जो तीसरी समस्या इस सिद्धांत में है वो क्रिया प्रतिक्रिया का यह सिद्धांत शक्ति संरक्षण नियम के विपरीत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान समय में हम भौतिक सिद्धांतों में पाते हैं कि पावर का जो एक शक्ति संरक्षण का सिद्धांत पाते हैं, आइंस्टीन के साइंस में भी हम पाते हैं कि जो पावर होती है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी निकाय में। ऊर्जा का ना तो हम क्षय होता है ना ही ऊर्जा को हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें एक अवस्था परिवर्तन मात्र होता रहता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि शक्ति संरक्षण के नियम के विपरीत हो जाता है डेकार्ट का यह सिद्धांत। कैसे? शरीर की संवेदन शक्ति ही मानसिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। हमारी जो शरीर की संवेदन शक्ति है वो मानसिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है, और चित्त की जो संकल्प शक्ति है मानसिक शक्ति शरीर के संचालन की भौतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। हमारी चित्त की मानसिक शक्ति भौतिक शक्ति के रूप में शरीर को जब निर्देशित करता है तो भौतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है, और शरीर की संवेदन शक्ति मानसिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होती है। अब यहाँ पर समस्या होती है, कैसे हम देखते हैं। देखिए, पहली स्थिति में क्या हो रहा है कि भौतिक शक्ति का क्षय होता है, ठीक है, और दूसरी स्थिति में भौतिक शक्ति में वृद्धि हो रही है। जब मानसिक शक्ति भौतिक शक्ति में परिवर्तित हो रही है, शरीर को जब निर्देशित करता है, तो हमारे भौतिक शक्ति में वृद्धि हो रही है।
पहली स्थिति में क्या हो रहा था, भौतिक शक्ति का क्षय हो रहा था। जब हमारा शरीर मन पर प्रतिक्रिया करेगा तो भौतिक शक्ति मानसिक शक्ति में परिवर्तित हो रही है, तो भौतिक शक्ति में क्षय होता है एक स्थिति में। अब देखिए शक्ति संरक्षण नियम क्या कहता है कि यदि सत्य है शक्ति संरक्षण नियम, तो हम मानेंगे कि एक प्रकार की भौतिक शक्ति दूसरे प्रकार की भौतिक शक्ति में बदल सकती है, किंतु विश्व में भौतिक शक्ति का कुल परिमाण एक ही रहेगा, जो कि अभी मैंने बताया कि किसी भी निकाय में ऊर्जा कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। परंतु यदि भौतिक शक्ति को मानसिक शक्ति के रूप में परिवर्तित माना जाए और मानसिक शक्ति को भौतिक शक्ति के रूप में परिवर्तित माना जाए, तो उस स्थिति में भौतिक शक्ति का कुल परिमाण हमारे शरीर में कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ठीक है, जो शक्ति संरक्षण नियम के विपरीत है या असंगत है। अगला सिद्धांत हम देखते हैं यथा अवसरवाद अकेजनलिज्म। ये भी डेकार्ट के सिद्धांत से मिलता जुलता सिद्धांत है, इसीलिए इनको डेकार्ट के सिद्धांत के साथ ही रखा गया है। डेकार्ट के अनुयायी थे ग्यूलिनैक्स और मेलब्रांस ने अंतर्क्रियावाद की कमियों को दूर करने के प्रयास में यथा अवसरवाद का प्रतिपादन किया। यथा अवसरवाद के अनुसार शरीर एवं मन विपरीत धर्मी होने के कारण परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। ये वैसा ही समाधान देते हैं दोनों कहते, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होता, दोनों में एक तरह की संवादिता है और इसका कारण क्या है, ईश्वर है। डेकार्ट ने भी ईश्वर को माना था, लेकिन वहाँ पर वो चित्त और चित्त में प्रत्यक्ष रूप से क्रिया प्रतिक्रिया मानते हैं, यहाँ पर इसका कारण उन्होंने ईश्वर को मान लिया कि ईश्वर शरीर या मन में किसी एक में परिवर्तन होने पर ईश्वर उसी के परिवर्तन के अनुरूप दूसरे में भी परिवर्तन उपस्थित कर देता है। इसी प्रकार जब मन में कोई संकल्प या इच्छा होती है तो तब उसी के संवाद में ईश्वर शरीर को गत्यात्मक कर देता है, ठीक है। अब इस यथा अवसरवाद की अगर हम समीक्षा करें तो पाते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शरीर एवं मनुष्य के संबंध का यह सिद्धांत अनुपयुक्त है। शरीर एवं मन में पल पल होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया पारस्परिक परिवर्तनों के लिए ईश्वर को उत्तरदायी मानना कुछ इस प्रकार से है जैसे कि ईश्वर कोई यंत्र है जो कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, उसका काम यह है कि चित्त के अनुरूप अचित्त में परिवर्तन करे और चित्त के अनुरूप चित्त में परिवर्तन करे, ये ईश्वर को सीमित कर देने जैसी बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जो सिद्धांत है ये काफी महत्वपूर्ण रहता है, स्पिनोजा का सिद्धांत है, समानांतरवाद है, पैरेललिज्म। डेकार्ट के बाद हम स्पिनोजा का दर्शन पाते हैं जिसमें ये भी बुद्धिवादी दर्शन थे, शरीर और मन को मूलतः भिन्न तत्व मानते हुए उसमें अंतर्क्रियावाद होना असंभव माना और समानांतरवाद का प्रतिपादन किया। डेकार्ट अपने ज्ञान मीमांसा में या तत्व मीमांसा में तीन द्रव्यों को पाते हैं, ईश्वर चित्त और अचित्त, लेकिन स्पिनोजा उन्होंने केवल एक स्वतंत्र द्रव्य माना, वह है ईश्वर। अब चूंकि ईश्वर एक स्वतंत्र द्रव्य है तो चित्त अचित्त क्या है, तो स्पिनोजा ने कहा कि चित्त अचित्त ईश्वर के गुण है, ये स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, और इसीलिए इन्होंने माना कि इसमें अंतर्क्रिया नहीं होता है चित्त अचित्त में। इन्होंने समानांतरवाद का प्रतिपादन किया। समानांतरवाद के अनुसार शरीर तथा मन दो भिन्न स्वतंत्र तत्व नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, बल्कि द्रव्य केवल एक है और वह है ईश्वर। चित्त एवं अचित्त परम द्रव्य ईश्वर के दो समानांतर गुण हैं, इनको इन्होंने गुण बोला है, द्रव्य नहीं कहा है। चित्त एवं अचित्त को ईश्वर के अभ्यंतर एवं बाह्य पक्ष के रूप में समझा जा सकता है। ईश्वर को भौतिक या मानसिक नहीं माना जा सकता, परंतु भौतिक एवं मानसिक घटनाओं में समानांतर रूप से प्रतीत होता है। अचित्त की विशेषता है विस्तार और विस्तार या प्रसार, और चित्त की विशेषता है विचार, ठीक है। तो ये दोनों गुण हैं और समानांतर धाराओं के रूप में बह रहे हैं, ऐसा स्पिनोजा मानते हैं। संसार में विस्तार की हर एक इकाई के समानांतर विचार की भी इकाई है, और इसी प्रकार से विचार की इकाई के समानांतर विस्तार की इकाई है। चित्त के समानांतर अचित्त है और अचित्त के समानांतर चित्त है। संसार में ये दो गुण के रूप में द्रव्य के, ईश्वर द्रव्य है, उसके दो गुण के रूप में ये प्रवाहित होते रहते हैं, इसलिए इनके दर्शन में समानांतरवाद चित्त और अचित्त की जो समस्या को संबंध को समस्या जो बनती है डेकार्ट के दर्शन में, वो इसको समानांतरवाद के रूप से सुलझाने का प्रयास करते हैं। शरीर के हर परिवर्तन के अनुरूप मनस में परिवर्तन होता है और मनस के हर परिवर्तन के अनुरूप शरीर में परिवर्तन होता है। इस प्रकार इन दोनों में अनुरूपता या संवादिता का संबंध होता है, ठीक है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य तो एक ही है, जो कि हमने कहा कि ईश्वर, जो कभी चिंतनशील द्रव्य तो कभी प्रसारित द्रव्य के रूप में संबोधित किया जाता है, या अलग अलग द्रव्य ना होकर एक ही मूल द्रव्य ईश्वर के दो गुण हैं। स्पिनोजा के समानांतरवाद का अमेरिकन हर्बर्ट स्पेंसर ने समर्थन किया, लेकिन ये ईश्वर नहीं मानते हैं, उस द्रव्य की जगह पर इस मूल द्रव्य को इन्होंने अज्ञेय कहा है, और भौतिक एवं मानसिक घटनाओं में प्रतीत होने वाला ये परम द्रव्य अज्ञेय है। परम द्रव्य न मानसिक है न भौतिक, किंतु अचित मन के माध्यम से ये व्यक्त होता है। परम द्रव्य ये कहते हैं कि ना तो भौतिक होता है ना मानसिक, लेकिन भौतिक और मानसिक ये इनके दर्शन में चाहे हम गुण कहें या द्रव्य मान लें कि द्रव्य, जो हम तो मानते हैं कि द्रव्य भौतिक और मानसिक द्रव्य होते हैं, तो अगर हम माने कि द्रव्य होते हैं तो इसमें
ये जो मूल द्रव्य है वो स्वयं को अभिव्यक्त करता है, वह स्वयं वैसा नहीं है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है, परम द्रव्य न मानसिक है न भौतिक, किंतु अचेतन मन के माध्यम से व्यक्त होता है। ठीक है, माइंड डिस्टर्ब सिद्धांत इसके इसी से मिलता जुलता, स्पिनोजा के दर्शन से मिलता जुलता माइंड डिस्टर्ब थ्योरी है। क्लिफोर्ड नामक विचारक माइंड डिस्टर्ब सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि शरीर या अचित तत्व के प्रत्येक परमाणु के अनुरूप उससे संबद्ध चित्त तथा मनस चित्त तत्व का परमाणु होता है। जब भौतिक परमाणु से मिलकर शरीर की रचना होती है तो साथ ही उन भौतिक परमाणु के अनुरूप चित्त तत्व के परमाणु से मिलकर चित्त या मनस की संरचना होती है। ये परमाणु के रूप में इसी चीज को व्याख्यायित कर रहे हैं कि भौतिक परमाणु के अनुरूप चित्त तत्व के परमाणु से मिलकर चित्त या मनस की अभिव्यक्ति होती है। कि भौतिक परमाणु है इसके समानांतर चित्त का परमाणु होता है। जब भी कोई किसी भी पदार्थ की रचना होती है तो दोनों समानांतर रूप से परमाणु के रचना के अनुरूप ही इनकी संरचना हो जाती है। इसी कारण से मानसिक एवं शारीरिक क्रियाओं में संबद्धता पाई जाती है। इसी से मिलता जुलता डबल आस्पेक्ट थ्योरी है। वारेन कहते हैं कि मानसिक क्रियाएं और स्नायुक प्रक्रियाएं दोनों मिलकर घटनाओं का एक क्रम बनाती हैं। दोनों एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। चित्त और अचित्त, या जिसको हम कहें कि मानसिक क्रियाएं और भौतिक क्रियाएं। ठीक है, मानसिक क्रियाएं आंतरिक होती हैं, वहीं स्नायविक क्रियाएं बाह्य रूप से स्वीकार की जा सकती हैं। इसके बाद तटस्थ एक तत्व या न्यूट्रल मोनिज्म में ये भी स्पिनोजा के दर्शन से कहीं ना कहीं मिलता है, इसीलिए इसको इसमें साथ में रखा गया है। शरीर मन संबंध को समझने के लिए नव्य वास्तु स्वातंत्र आदि दार्शनिक तटस्थ एक तत्ववाद का सहारा लेते हैं। इसके अनुसार अलग अलग संदर्भों में संबंधों में एक ही तटस्थ तत्व भौतिक एवं मानसिक रूप से दृष्ट होता है। वस्तुतः वह तत्व ना तो भौतिक होता है ना ही मानसिक होता है। स्पिनोजा के समानांतरवाद की समीक्षा, चूंकि ये सिद्धांत स्पिनोजा जैसे ही सिद्धांत है इसलिए इसकी समीक्षा करते समय इनकी भी समीक्षा हो जाएगी। यदि समानांतरवाद को स्वीकार किया जाए तो इसमें हम सर्वचित्तवाद पर पहुंच जाते हैं, जो आधुनिक विज्ञान के विपरीत है। स्पिनोजा के सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ विस्तार है वहाँ विचार भी है, और जहाँ विचार है वहाँ विस्तार भी है। परंतु विज्ञान यह बताता है कि चेतन अत्यंत जटिल स्नायु मंडल से संबंधित होता है, न कि अचित या जड़ या पुद्गल से। इसको हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। स्पिनोजा जैसे कि कहते हैं कि स्पिनोजा या इस तरह के तटस्थ एकतावाद डबल आस्पेक्ट थ्योरी कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जहाँ विस्तार है वहाँ विचार भी है, और जहाँ विचार है वहाँ विस्तार भी है। परंतु विज्ञान ये बताता है कि चेतन अत्यंत जटिल स्नायु मंडल से संबंधित है, ना कि अचित्य या जड़ से। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्पिनोजा ये कहते हैं कि हर अचित्य के समानांतर उसका चित्त है। जैसे हम शरीर में ये मान सकते हैं, वनस्पतियों में संभवतः ये स्वीकार किया जा सकता है, पशुओं में भी ये स्वीकार कर सकते हैं। पशुओं में और मनुष्य में हम ये आमतौर पर देखते हैं कि एक अचित्य के समानांतर उसका चित्त होता है, जैसे हम मनस या माइंड या आत्मा कह सकते हैं। लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं अप्लाई होती है। अगर हम माने कि ये पेन है तो इसका समानांतर चित्त इसका कहाँ पर है, लोहे के टुकड़े के समानांतर उसका चित्त कहाँ है। इस प्रकार ये थ्योरी कि विचार के समानांतर ही विस्तार है और विस्तार के समानांतर विचार है, कहीं ना कहीं युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती। आगे हम देखते हैं, समानांतरवाद मनस या चित्त को अधिक महत्व नहीं देता, परंतु मनुष्य को शरीर के समान या समानांतर नहीं माना जा सकता। मन शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ है एवं उच्चतर है। हमारा मन हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। हम ये नहीं कह सकते कि चित्त भी उतना ही उसी स्तर का है जितना कि अचित्त है। यहाँ पर दर्शन में शरीर को अचित्त माना गया है। ये चीज़ हम ध्यान दें कि दर्शन में हमेशा माइंड को या मस्तिष्क को या मन को ये समानार्थक रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि चित्त स्वरूप माना जाता है, और शरीर को अचित्त माना जाता है। ठीक, मनस शरीर की अपेक्षा श्रेष्ठ है, उच्चतर है, क्योंकि शरीर का संचालन या नियंत्रण मनस के द्वारा ही होता है। मनस स्वतंत्र है और इससे किसी भी कार्य को शुरू या कोई पहल करने की इसमें क्षमता होती है। मनस और शरीर की प्रकृति में अंतर होता है। चेतना में जहाँ एकता तादात्म्यता होती है, अक्षुण्णता होती है, वहीं इसके विपरीत अचित्त में विभाजनशीलता होती है। इस परस्पर विरोधी गुणों के कारण दोनों में समानांतरता की बात करना उचित नहीं लगता है। ठीक है, पहले भी मैंने समझाया कि दोनों भिन्न प्रकृति के हैं। ये अचित्त है और इसके समानांतर अगर हम किसी चित्त की बात करें तो दोनों नितांत अचित भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हैं, अतः इनमें समानांतरता की बात उचित नहीं लगती। हर जगह ये उपस्थित होते भी नहीं है। प्रत्ययवाद एवं जड़वाद दोनों विरोधी सिद्धांतों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि प्रत्ययवाद अचित्त को भी चेतन मानने का झुकाव रखता है, वहीं जड़वाद चित्त को भी जड़ स्वीकार करने की तरफ झुकाव रखता है। समानांतरवाद दोनों को समुचित महत्व देता है। ये इसकी एक अच्छी बात रहती है कि समानांतरवाद जड़वाद और प्रत्ययवाद दोनों को समुचित महत्व देता है। किसी एक को स्वतंत्र तत्व न मानकर इन दोनों को परम द्रव्य ईश्वर के गुण के रूप में स्वीकार करता है। अतः इसको स्वीकार करने पर मनुष्य एवं शरीर की क्रियाओं में अंतर क्रिया या संवाद स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि डेकार्त के दर्शन में समस्या थी। ठीक है,
इसके बाद हम लाइबनीज के पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत को देख सकते हैं, प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी। लाइबनीज एक जर्मन दार्शनिक थे। उनका मानना था कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ईश्वर ने मनुष्य एवं शरीर में इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित कर दिया कि दोनों सदा एक दूसरे के अनुरूप कार्य करते हैं। इसके लिए ईश्वर को बार बार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लाइबनीज मानते हैं कि सब कुछ चैतन्य है, ये अचेतन की बात ही स्वीकार नहीं करते। ये चिदणुवाद में अपने बताते हैं कि सब कुछ चेतन नित्य अणु है। अब सब कुछ चेतन है तो अचेतन इनके लिए कोई समस्या ही नहीं रह जाता, ठीक है। लाइबनीज के अनुसार मनुष्य एवं शरीर परस्पर स्वतंत्र हैं और इनमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन इनमें ईश्वर द्वारा पूर्व स्थापित संवादिता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है कि कोई घड़ी साज है, वो दो घड़ियों का निर्माण करता है, दोनों को स्वतंत्र रूप से निर्माण करता है, और लेकिन वो एक बार जब घड़ियों का निर्माण कर देता है तो बार बार उनमें समय निर्धारित नहीं करता है। पहले ही उसने ऐसा सामंजस्य स्थापित कर दिया कि दोनों घड़ियाँ अलग होते हुए भी साथ साथ सही समय बताती हैं। उसी तरह से चित्त और अचित्त में है कि दोनों हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने शुरू में ऐसा उनमें तादाद में ऐसा एक समन्वय स्थापित कर दिया है कि दोनों अलग होते हुए भी परस्पर समन्वय के साथ क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। दूसरे को प्रभावित किए बिना जैसे घड़ियाँ एक समय बताती हैं, वैसे ही हमारा चित्त और अचित्त भी होता है, ठीक है। अब इसकी हम समीक्षा करें पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत में यथा अवसरवाद जैसा दोष है। यथा अवसरवाद शारीरिक एवं मानसिक घटनाओं में संवादिता हेतु निरंतर ईश्वरीय हस्तक्षेप की बात स्वीकार करता है। यथा अवसरवाद हम देखते हैं कि ईश्वर पल पल हमारे चित्त में क्रिया हो रही है, तो अचित्त में उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया कौन उत्पन्न करता है, उसका कारण वहाँ पर यथा अवसरवाद में ईश्वर को माना गया था। लाइबनीज कहते हैं कि ये ईश्वर ने पहले ही ऐसा समन्वय स्थापित कर दिया है। तो ये कैसा हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया कि एक जो मिरेकल हो रहा है, यथा अवसरवाद में मिरेकल हमेशा होता था, बीच बीच में ईश्वर स्थापित करता था, मिरेकल करता था कि चित्त में क्रिया हो रही है उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, लेकिन यहाँ पर यह मिरेकल या अति प्राकृतिक घटना शुरुआत में ही स्थापित कर दी गई है ईश्वर द्वारा। तो वैसा ही दोष इनके भी दर्शन में हमें दिखता है कि लाइबनीज पूर्व स्थापित सामंजस्य मान लेते हैं, तो ये मिरेकल हुआ कि ईश्वर ये काम कर रहा है, ठीक है। एक बार अति प्राकृतिक घटना होने का प्रतिपादन करते रहता है। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर मनुष्य और शरीर में सामंजस्य स्थापित कर देता है। एक अन्य समस्या इस सिद्धांत के साथ यह है कि शरीर और मन दोनों चेतन अणुओं से बने हैं। हाँ, लाइबनीज चूंकि सब चीज को चेतन मानते हैं, अचेतन मानते ही नहीं है, तो अब सब चीज चेतन अणुओं से बना है जैसा कि लाइबनीज मानते हैं। दोनों परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, वो क्योंकि मानते हैं कि चिदणु गवाक्षहीन होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। इन चिदणुओं का भी चिदणु ईश्वर है, ईश्वर भी चिदणु होगा, चेतन अणु है। तो अब इन चिदणुओं अर्थात शरीर और मन पर परस्पर ईश्वर कैसे क्रिया कर सकता है, क्योंकि सभी स्वतंत्र हैं और उनमें सामंजस्य स्थापित होना कैसे संभव हो सकता है, ये यहाँ पर समस्या होती है, क्योंकि कारणता एक बाह्य कारक है। कारणता बाह्य कारक है और लाइबनीज की व्याख्या में यह चिदणुओं पर लागू नहीं होगी। चिदणुओं के चिदणु पर यह कैसे लागू हो सकता है, अर्थात ईश्वर पर हम कारणता को कैसे आरोपित कर सकते हैं, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। इसी से मिलता जुलता अध्यात्मवाद या मनसवाद या आइडियलिज्म या मेंटलिज्म का सिद्धांत है। अध्यात्मवादी दृष्टिकोण भौतिकवादी दृष्टिकोण के विपरीत है। कैसे? अध्यात्मवादी का मानना है कि विश्व की मूल सत्ता केवल आत्मा या मनस है। ये जैसे लाइबनीज से सब कुछ चैतन्य माना था, उसी प्रकार से ही मानते हैं कि विश्व की मूल सत्ता आत्मा या मनस है। समस्त जड़ जगत, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी इसी आत्मा या मनस की अभिव्यक्ति है। अब चूंकि अभिव्यक्ति है, आत्मा में ही कल्पित आभास है, ये जो हम अचित्त को कह रहे हैं वो आत्मा में ही कल्पित आभास है, तो आत्मा या मनस की मूल सत्ता होने से शारीरिक क्रियाओं पर स्वतः ही इसकी प्रभावशीलता आ जाती है। चूंकि आत्मा की ही अभिव्यक्ति अचित्त भी है, चित्त की ही अभिव्यक्ति अचित्त है, तो स्वाभाविक रूप से इस पर इसकी चित्त की प्रभावशीलता आ जाती है, ठीक है। अभी इसकी समीक्षा देखें तो आलोचकों के अनुसार भौतिकवादी विचारक जिस प्रकार से मन को भी जड़ मानकर शरीर और मन संबंध की समस्या को नहीं सुलझा पाते, वैसे ही अध्यात्मवादी दार्शनिक शरीर को मन की अभिव्यक्ति बताकर इस समस्या को और जटिल बना देते हैं। शरीर और मन दोनों को ही स्वतंत्र सत्ताएं अगर हम माने, हमें मानना पड़ता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए या उद्भव के लिए। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों ही आवश्यक है। यदि हम इन दोनों में से किसी भी एक की स्वतंत्र सत्ता ना माने तो ज्ञान या अनुभव समुचित व्याख्या नहीं हो सकती। जैसे कि लाइबनीज जैसे अगर हम हर चीज़ को चैतन्य मान लें कि हर कुछ चैतन्य है, अचेतन तो कुछ है ही नहीं, या कोई जड़वादी कहे कि सब कुछ जड़ है, चेतन कुछ नहीं है, इस तरह के दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं मिलती हैं, जैसा कि अध्यात्मवाद और लाइबनीज का चिदणुवाद है, सब चीज़ को चेतन मानता है। अब ये कहते हैं कि चेतना की ही अभिव्यक्ति अचित्त भी है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब अगर ऐसा हम स्वीकार करें कि सब कुछ जड़ की अभिव्यक्ति है, सब कुछ चेतन की अभिव्यक्ति है, सब कुछ में जड़ है या सब कुछ में चेतन है कम या अधिक मात्रा में, तो हम ज्ञान की व्याख्या कैसे करेंगे? जैसे अगर हमको इस पेन का ज्ञान प्राप्त करना है तो यहाँ पर दो चीज़ें होनी आवश्यक हैं, एक ज्ञाता है और दूसरा ये ज्ञेय है, ये पेन है। यहाँ पे अगर दोनों एक ही चीज़ है तो कौन किसका ज्ञान प्राप्त करेगा? ज्ञान की व्याख्या संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्ञान के लिए हमेशा एक ज्ञेय और एक ज्ञाता होना चाहिए। ज्ञेय क्या होता है? अचित्त होता है, उचित भी हो सकता है, लेकिन दो स्वतंत्र सत्ताएं हमें माननी पड़ेंगी, चित्त और अचित्त के रूप। अब हम इसकी समीक्षा करते हैं। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नवोदय क्रांतिवाद या इमर्जेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रकार लॉर्ड मॉर्गन के अनुसार सत्ता के तीन स्तर होते हैं, पुद्गल, जीवन और मनस। अभी तक समस्या हमारी थी कि पुद्गल और मनस की, यहाँ पर जो इमर्जेंट थ्योरी है यहाँ पर इस जीवन को भी बीच में लाते हैं। सृष्टि के आरंभ में प्रकृति में कोई संगठन नहीं था, सर्वप्रथम परमाणुओं का संगठन हुआ व पुद्गल का विकास हुआ। परमाणुओं के संगठन से अचित्त या जिसको पुद्गल कहते हैं उसका विकास हुआ, उसके बाद पुद्गल के संगठन से जीवन का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात जब कोशिकाओं या सेल्स का स्नायुमंडल में संगठन हो गया तब जीवन में मनस का विकास हुआ। ठीक है, परमाणुओं के संगठन से हम देखते हैं कि पुद्गल का विकास हुआ, पुद्गल के संगठन से जीवन का आविर्भाव हुआ, और जब कोशिकाओं का स्नायुमंडल में संगठन हो गया तब जीवन में मनस का विकास हुआ। ठीक है, मन या चित्त का विकास हुआ, जिसे हम चित्त या आत्मा या माइंड कहें। पुद्गल की अपेक्षा जीवन उच्चतर स्तर का है और जीवन की अपेक्षा मनस उच्चतर है। पुद्गल के नियमों की तुलना में जीवन के नियमन के नियम उच्चतर हैं और जीवन के नियमों की तुलना में मनस के नियमन के नियम उच्चतर हैं। नवोदय क्रांतिवाद के अनुसार शरीर और मनस दोनों का एक ही स्तर नहीं है। ठीक है, जैसे पहले भी कुछ दार्शनिकों ने माना कि दोनों एक स्तर के हैं या समानांतर धाराओं के रूप में बह रहे हैं, ये मानते कि नहीं, दोनों एक स्तर के नहीं होते। शरीर की पूर्णता वस्तुतः मनस है। मनस को एक ऐसा पदार्थ कहा जा सकता है जिसे शरीर प्राप्त करता है या शरीर के द्वारा प्रकृति प्राप्त करती है। मनस चेतन, स्वनियंत्रित व उद्देश्यात्मक होता है, जबकि शरीर अचेतन, परनियंत्रित और निरुद्देश्य होता है। मनस हमारा स्वनियंत्रित होता है, उद्देश्यात्मक होता है, वहीं पर अचित्त या अचेतन क्या है, वो परनियंत्रित है। कौन नियंत्रित करता है? चेतन नियंत्रित करता है या निरुद्देश्य होता है। मनस शरीर को नियंत्रित करता है और शारीरिक क्रियाओं का संचालन करता है। अब इसकी अगर समीक्षा कर ले संक्षेप में, नवोदय क्रांतिवाद शरीर और मन के संबंध की समस्या का एक अच्छा समाधान उपस्थित करता है, जो कि आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्याओं के अनुकूल है। किंतु इस सिद्धांत की कठिनाई है कि यदि पुद्गल पहले से ही जीवन रहित था तो पुद्गल से जीवन का प्रादुर्भाव कैसे हो सकता है? यदि कोई चीज़ पहले से ही जीवन रहित है तो उससे जीवन की उत्पत्ति कैसे संभव है? ये हम देखते हैं कि असत कार्यवाद की जब समीक्षा की जाती है तब भी इस तरह की बातें हमें वहाँ मिलती हैं। न्याय दर्शन में असत कार्यवाद को माना गया है कि सब कुछ नई उत्पत्ति होती है, कार्य कारण में पहले से विद्यमान नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही समस्या है, जीवन में मनस पहले से विद्यमान नहीं था तब जीवन में मनस का विकास कैसे होता है? असत या शून्य से किसी भी प्रकार की सत्ता कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर इसमें चेतन नहीं है तो चेतन की उत्पत्ति से नहीं हो सकती। अगर जो चीज़ असत्य है, शून्य है, उससे किसी भी पदार्थ की, किसी भी तत्व की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती। यही यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है इस सिद्धांत में। वैसे ही ये सिद्धांत अच्छा है। उपोत्पादनवाद एपिफेनोमेनोलॉजिज्म है। यह सिद्धांत मानता है कि चैतन्य मनस मस्तिष्क की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली आनुषंगिक या बाई प्रोडक्ट है। मस्तिष्क की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो चैतन्य मनस कैसे उत्पन्न होता है, मस्तिष्क की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये बाई प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, प्राय उपोत्पादनवाद जैसे अन्य भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसे विचार को स्वीकार करते हैं। जैसे किसी यंत्र के पुर्जे के आपसी घर्षण से हम पाते हैं कि अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क के परमाणुओं के पारस्परिक संघर्ष से कुछ प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं जिन्हें चेतना या मनस कहते हैं। परंतु ये विचारक मनस के शरीर पर प्रभाव को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार मनस शरीर की क्रियाओं को प्रभावित नहीं करते। अब इसकी हम समीक्षा करें, पाते हैं कि इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह हमारे सामान्य अनुभव के विपरीत बातें करता है। हम प्रतिदिन के अनुभव में हमारे जीवन, हमारे शरीर पर मनस की प्रभावशीलता का अनुभव करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा हार्मोन उत्पन्न होता है जिससे हमारा मन खुश होता है। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि हमारे शरीर की क्रियाएँ हमारे मन को, मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हमारे शरीर पर मनस की प्रभावशीलता और मनस पर शरीर की प्रभावशीलता होती है। ये हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव में देखते हैं। हम अपने अनुभव में पाते हैं कि मनस शरीर पर का नियंत्रण करता है, मनस शारीरिक क्रियाओं का संचालन और निर्देशन करता है। शरीर की तुलना में मनस उच्चतर स्तर का प्रतीत होता है।
अतः मनुष्य को शरीर का उपोत्पाद या आनुषंगिक उत्पाद मात्र मानना उचित नहीं है। आज हमने माइंड बॉडी रिलेशनशिप या मन शरीर संबंध की समस्या पे चर्चा की है। नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।